अकाउंटिंग नो प्रॉब्लम में आपका स्वागत है। मैं हूँ आरती। टेलीप्राइम के इस अध्याय में हम आपको बताएंगे मूवमेंट एनालिसिस क्या है, इसके अंदर कितनी तरह की रिपोर्ट्स आती हैं और उनका क्या उपयोग है। दरअसल मूवमेंट एनालिसिस रिपोर्ट अपने नाम के अनुसार माल के आने जाने की गति और उससे संबंधित अन्य कई बातों के बारे में बताती है। प्रत्येक व्यापारी को इस रिपोर्ट से व्यापार में बहुत से फायदे हो सकते हैं और यदि आप अकाउंटेंट हैं तो इस रिपोर्ट की सहायता से अपने एम्प्लॉयर का बहुत फायदा कर सकते हैं और ऐसा करने से आपका एम्प्लॉयर खुश तो होगा ही, साथ ही आपकी बुद्धिमानी का लोहा भी मानेगा। इस रिपोर्ट का सबसे महत्वपूर्ण फायदा तो ये है कि हमें ये मालूम पड़ता है कि किसी निश्चित अवधि में कौन से एरिया में कौन से कस्टमर को कौन सा माल ज्यादा सेल होता है और कौन सा माल कम सेल होता है। जो माल ज्यादा सेल होता है उसे हम ज्यादा क्वांटिटी में परचेस कर सकते हैं और जो माल कम सेल होता है उसे कम क्वांटिटी में परचेस करना चाहिए। इस तरह से इस रिपोर्ट की सहायता से आप अनावश्यक स्टॉक रखने से बच जाएंगे, जिसके कारण पूंजी भी ब्लॉक नहीं होती। इस रिपोर्ट के आधार पर आप अपने यहाँ जो माल ज्यादा मात्रा में सेल होता है उसे ज्यादा मात्रा में परचेस कर सकते हैं। ऐसा करने से वो माल कम भाव में मिल जाता है। ध्यान रखें, जब भी कोई माल सस्ते में परचेस किया जाता है तो उसे सस्ते भाव में बेचा भी जा सकता है और जब माल कम भाव में सेल किया जाता है तो उसे ज्यादा मात्रा में सेल कर पाते हैं और इस तरह ज्यादा क्वांटिटी में सेल करने से प्रॉफिट भी ज्यादा होता है। मूवमेंट एनालिसिस के अंतर्गत कई रिपोर्ट्स आती हैं जिनके अलग अलग फायदे भी हैं। इन्हें हम आगे काम करते हुए समझेंगे। यहाँ पर हमने पहले से ही एक कंपनी बनाई हुई है जिसमें हमने कस्टमर्स के स्टेट वाइज अकाउंटिंग ग्रुप्स, स्टॉक ग्रुप्स और स्टॉक कैटेगरीज बनाई हुई हैं। ये सभी कैसे बनाते हैं ये हम आपको पहले सिखा चुके हैं। इनके अलावा हमने स्टॉक आइटम्स तथा सभी जरूरी लेजर्स भी बनाए हुए हैं, साथ ही कुछ ट्रांजैक्शंस भी रिकॉर्ड किए हुए हैं। अभी हम गेटवे ऑफ टैली पर हैं। मूवमेंट एनालिसिस रिपोर्ट देखने के लिए हमें डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पर जाना होगा। यहाँ से स्टेटमेंट्स ऑफ इन्वेंटरी पर जाना होगा, फिर यहाँ से मूवमेंट एनालिसिस पर जाना होगा। ये देखिए, मूवमेंट एनालिसिस के अंतर्गत आप 6 ऑप्शंस देख सकते हैं। इन्हें हम एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं स्टॉक ग्रुप एनालिसिस। ये देखिए, लिस्ट ऑफ स्टॉक ग्रुप्स आ रही है। अब यदि किसी एक ग्रुप की रिपोर्ट चाहिए तो उस पर जाकर एंटर प्रेस करना होगा और यदि एक ही बार में सभी ग्रुप्स की रिपोर्ट देखना चाहें तो प्राइमरी पर जाकर एंटर प्रेस करना होगा। हम प्राइमरी पर जाकर एंटर प्रेस कर रहे हैं। ये देखिए, स्टॉक ग्रुप एनालिसिस रिपोर्ट आ रही है। इसे अच्छे से समझने के लिए हमें कुछ कॉन्फ़िगरेशन करना होगा, उसके लिए हम F12 प्रेस कर रहे हैं। यहाँ पर आप इनवर्ड और आउटवर्ड दो ऑप्शंस देख रहे हैं। आप जिसकी भी रिपोर्ट देखना चाहते हैं उसे यस कर दें और दूसरे को नो कर दें। हम सेल्स से संबंधित रिपोर्ट देखना चाहते हैं इसलिए इनवर्ड को नो और आउटवर्ड को यस कर रहे हैं। फॉर्मेट ऑफ रिपोर्ट में डिटेल्ड सिलेक्ट करें, एक्सपैंड ऑल लेवल्स इन डिटेल्ड फॉर्मेट को यस कर दें। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण है सॉर्टिंग मेथड। इसमें आप अपनी रिपोर्ट्स जिस तरह से देखना चाहते हैं उस हिसाब से इस लिस्ट में से सॉर्टिंग मेथड सिलेक्ट करें। यदि आप रिपोर्ट को क्वांटिटी के आधार पर बढ़ते या घटते क्रम में देखना चाहते हैं तो इनमें से सिलेक्ट करें और यदि आप अमाउंट के आधार पर घटते या बढ़ते क्रम में देखना चाहते हैं तो इनमें से सिलेक्ट करें। हम क्वांटिटी के आधार पर बढ़ते क्रम में रिपोर्ट देखना चाहते हैं इसलिए इसे सिलेक्ट कर रहे हैं। सबसे ऊपर वर्ष के प्रारंभ से लेकर इस कंपनी में हमने जिस तारीख तक काम किया है वहां तक का पीरियड आ रहा है।
यदि आप किसी और पीरियड की रिपोर्ट देखना चाहते हैं तो F2 की सहायता से पीरियड चेंज कर सकते हैं। पर्टिकुलर में आप क्वांटिटी के बढ़ते क्रम में सभी ग्रुप्स के नाम देख रहे हैं। सबसे कम सेल सोनी टीवी का है, उससे ज्यादा BPL टीवी और सबसे ज्यादा LG टीवी का है। इसके साथ ही हम देख रहे हैं कि सभी ग्रुप्स के अंदर जिस स्टॉक आइटम का सेल कम है उसका नाम ऊपर और जिसका ज्यादा है उसका नाम नीचे की ओर आ रहा है। इस रिपोर्ट से हमें यह ज्ञात होता है कि हमारे यहाँ कौन से स्टॉक ग्रुप का माल ज्यादा सेल होता है और कौन से ग्रुप का कम। साथ ही हमें यह भी मालूम पड़ रहा है कि किसी ग्रुप विशेष में कौन सा स्टॉक आइटम ज्यादा बिकता है और कौन सा कम बिकता है। अब यदि आप इस रिपोर्ट के स्थान पर ये देखना चाहते हैं कि आपके यहाँ जो भी आइटम्स हैं उनमें सबसे ज्यादा कौन सा आइटम सेल होता है और सबसे कम कौन सा सेल होता है, तो उसके लिए F5 की प्रेस करेंगे। ये देखिए, जो आइटम सबसे कम सेल हुआ है उसका नाम क्वांटिटी के साथ सबसे ऊपर आ रहा है और जो आइटम ज्यादा सेल हुए हैं वे नीचे की ओर बढ़ते क्रम में दिखाई पड़ रहे हैं। ध्यान दें, ये आउटवर्ड रिपोर्ट है। यदि आप इसी तरह की इनवर्ट यानी परचेस की रिपोर्ट देखना चाहते हैं तो कॉन्फ़िगरेशन करते समय इनवर्ट को यस करें और आउटवर्ड को नो करें। अब यदि आप ये देखना चाहते हैं कि ये सभी स्टॉक आइटम्स जो हमने सेल किए हैं वो किस एरिया में ज्यादा सेल किए हैं और किस एरिया में कम, साथ ही उनमें किस कस्टमर को ज्यादा सेल किया है और किसे कम, तो उसके लिए हमें चेंज व्यू पर जाना होगा और यहाँ बाय लेजर्स सिलेक्ट करना होगा। ये देखिए, यहाँ रिपोर्ट आ रही है कि हमने कुल कितने आइटम्स कैश में बेचे हैं। उसके बाद यहाँ सन्ड्री डेटर्स के अंतर्गत ये दिखाई पड़ रहा है कि हमने किस एरिया में, जैसे महाराष्ट्र में सबसे कम, यूपी में उससे ज्यादा और MP में सबसे ज्यादा आइटम सेल किए हैं। साथ ही ये भी दिखाई पड़ रहा है कि इन एरियाज में किस कस्टमर को कम और किस को सबसे ज्यादा माल सेल किया है। यदि हमें सेल्स बढ़ाना है तो जिन एरियाज में हमारा सेल कम है वहां ज्यादा मेहनत की जा सकती है। इसी तरह मान लीजिए हमने एरियाज की जगह ब्रोकर्स के ग्रुप्स बनाए होते तो इस रिपोर्ट से ये मालूम पड़ जाता कि कौन सा ब्रोकर कैसा काम कर रहा है। उस हिसाब से हम उन्हें टारगेट और इंसेंटिव देकर अपना सेल बढ़ा सकते हैं। अब यदि इसी रिपोर्ट से सीधे हम स्टॉक एजिंग एनालिसिस देखना चाहते हैं तो चेंज व्यू पर जाना होगा और यहाँ से एजिंग एनालिसिस सिलेक्ट करना होगा। ये देखिए, स्टॉक एजिंग एनालिसिस आ रहा है। इसके बारे में हम आपको पिछली वीडियो में बता चुके हैं। हम एस्केप की प्रेस करके पिछली रिपोर्ट पर चलते हैं। अब यहाँ से स्टॉक आइटम्स एनालिसिस पर वापस जाने के लिए हमें चेंज व्यू पर जाना होगा और यहाँ बाय स्टॉक आइटम सिलेक्ट करेंगे। ये देखिए, हम वापस स्टॉक आइटम एनालिसिस पर आ गए हैं। अब यदि आप ये देखना चाहते हैं कि कौन सा आइटम किस माह में कितना बिका, तो उसके लिए ऑटो कॉलम पर जाना होगा। यहाँ पर मंथली सिलेक्ट करेंगे। ये देखिए, यहाँ हमें हर आइटम के बारे में मालूम पड़ रहा है कि किस माह में कौन सा आइटम कितना सेल हुआ है। ये रिपोर्ट जुलाई तक ही दिखाई पड़ रही है क्योंकि हमने 31 जुलाई तक ही काम किया है। अब हम वापस एस्केप की से मूवमेंट एनालिसिस पर चलते हैं और अगला ऑप्शन समझ लेते हैं। हम स्टॉक कैटेगरी एनालिसिस सिलेक्ट कर रहे हैं और यहां से प्राइमरी सिलेक्ट कर रहे हैं। ये देखिए, स्टॉक कैटेगरी मूवमेंट एनालिसिस आ रही है। हम इसमें पहले बताए अनुसार कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। ये देखिए, अब जो रिपोर्ट आ रही है वो हमने जो कैटेगरीज बनाई हैं उनके हिसाब से आ रही है। इस रिपोर्ट से हमें ये मालूम पड़ रहा है कि कैटेगरीज के हिसाब से हमारे यहाँ 30 इंचेस टीवी का सेल सबसे ज्यादा है। यहाँ भी आप स्टॉक ग्रुप्स की तरह ही स्टॉक कैटेगरी की भी रिपोर्ट्स देख सकते हैं।
हम वापस स्केप की से मूवमेंट एनालिसिस पर चलते हैं। अब हम स्टॉक आइटम एनालिसिस सिलेक्ट कर रहे हैं। इस ऑप्शन को समझने के लिए हम LG TV 30 इंचेस पर जाकर एंटर प्रेस कर रहे हैं। ये देखिए, ये आइटम हमने किन किन सप्लायर्स से परचेस किया है और किन किन कस्टमर्स को सेल किया है, ये यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। साथ ही इस आइटम को जिस क्वांटिटी और रेट में परचेस और सेल किया है उसकी डिटेल भी दिखाई दे रही है। अब यदि आप इस स्टॉक आइटम के बारे में पूरी जानकारी एक साथ चाहते हैं तो चेंज व्यू पर जाएं और यहां से स्टॉक क्वेरी सिलेक्ट करें। स्टॉक क्वेरी के बारे में डिटेल में हम आपको पहले ही बता चुके हैं। अब मान लीजिए आपके इस आइटम के बहुत सारे सप्लायर्स और कस्टमर्स हैं और उनमें आप ये देखना चाहते हैं कि इस आइटम के टॉप बायर्स और टॉप सेलर्स कौन कौन हैं, तो उसके लिए चेंज व्यू पर जाएं और यहां से टॉप बायर्स / सेलर्स को सिलेक्ट करें। ये देखिए, टॉप बायर्स और सेलर्स की लिस्ट आ रही है। इस रिपोर्ट का फायदा ये है कि जब हमें कोई माल ज्यादा क्वांटिटी में बेचना होता है तो हम शीघ्रता से बड़े कस्टमर्स के नाम देखकर उनसे संपर्क कर सकते हैं और उन्हें ज्यादा क्वांटिटी में माल बेच सकते हैं। हम वापस स्केप की से मूवमेंट एनालिसिस पर चलते हैं। अब यहाँ हम ग्रुप एनालिसिस सिलेक्ट कर रहे हैं। यहाँ से आप वो ग्रुप सिलेक्ट करें जिसकी रिपोर्ट देखना चाहते हैं। ये देखिए, यहाँ दिखाई दे रहा है कि इस ग्रुप के अंदर कौन से आइटम कितनी क्वांटिटी में सेल हुए हैं। हम वापस स्केप की से मूवमेंट एनालिसिस पर चलते हैं और यहाँ लेजर एनालिसिस सिलेक्ट कर रहे हैं। यहाँ से आप किसी सप्लायर या कस्टमर का नाम सिलेक्ट कर लें। हम कस्टमर 1 सिलेक्ट कर रहे हैं। ये देखिए, यहाँ पर मालूम पड़ रहा है कि हमने इस कस्टमर को कौन कौन सा माल सेल किया है, यानी उसे किस तरह के माल की रिक्वायरमेंट होती है। इसी तरह हमने कोई इंटरनल ट्रांसफर किए होंगे तो उसकी रिपोर्ट यहाँ से आप देख सकते हैं। यदि आप टैली में कोई काम कर रहे हैं और उस बीच मूवमेंट एनालिसिस देखना चाहते हैं तो गो टू पर जाएं और टाइप करें मूवमेंट एनालिसिस। लिस्ट ऑफ रिपोर्ट्स आ रही है, इसमें से आप जो रिपोर्ट देखना चाहते हैं उस पर जाकर एंटर प्रेस करें। तो दोस्तों, इस अध्याय में आपने मूवमेंट एनालिसिस के बारे में जाना। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।